नमस्कार दोस्तों, अभी अभी अफगानिस्तान से बेहद बड़ी खबर निकल कर रही है और ये खबर भारत के लिए सुकून देने वाली है, ठंडक पहुंचाने वाली है। दरअसल जिस मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान के नया राष्ट्रपति बनाना था, तालिबान वाले उसे अपना सबसे बड़ा नेता मान रहा था, उसे तो गोली मार दिया गया। बड़ी बात है दोस्तों, जिसे राष्ट्रपति बनाना था तालिबान, जिसके दम पे पूरे अफगानिस्तान में तांडव मचा दिया, हजारों लाखों आदमी को मार दिया, अमेरिका भगा दिया, उसी मुल्ला बरादर को गोली मार दिया गया। बड़ी बात है दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। और आखिरकार जिस प्रकार से ये मौत का तांडव हुआ है, अब यहाँ पे अमेरिका दोस्तों हैरान है कि आखिरकार ये कैसे संभव है कि जिस नेता ने इतना बड़ा क्रांति किया उसे गोली कैसे मार दिया गया। दोस्तों ये आपसे झगड़ा में हुआ है, ये कोई और नहीं किया है, कोई दुश्मन नहीं किया है, आपस में सब लड़ लड़के। बड़ी बात यह है, अब यहाँ पे पाकिस्तान जैसा देश बोल रहा है कि ये जो हुआ है यहाँ पे भारत का हाथ है, भारत का खुफिया एजेंसी का हाथ है, सब ने खासतौर पर मुल्ला बरादर को गोली चलवाया है और मुल्ला बरादर का कहानी खत्म करने का सबने कोशिश किया। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और आप लोग को जान के हैरानी होगा, बोलेंगे भाई ये तो हद हो गया, आखिरकार आपस में ही तमाम दुश्मन लड़के मर रहा है, ये संभव कैसे। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा, यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा स्पेस निकल चुका, हम लोग चाहे तो इस गैप में हम लोग जा सकते हैं और अफगानिस्तान का उसका औकात दिखा सकते हैं, तालिबानी को सचमुच में हम लोग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों उसका लीडर ही जब खत्म होने वाला है तो वहाँ पे क्या होगा भगवान जाने, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखे समझा कर हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले बोल लूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आसानी से मेरा चैनल आ जाएगा। अब चले जानते हैं क्या हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं जब तालिबान वाले अमेरिका से लड़ रहा था, अफगानिस्तान फोर्स से लड़ रहा था, उस समय तालिबान वाले ने तमाम आतंकवादी को सपना दिखाया कि हम लोग राज करेंगे ना तो तुम्हें ये देंगे, तुम्हें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और इसीलिए दोस्तों तमाम आतंकवादी से मिलकर लड़ा, खासतौर पर ISI को, हक्कानी नेटवर्क को, सबको मिला लिया, यहाँ तक ये पाकिस्तानी आर्मी को सपना दिखाया कि हम कश्मीर में एंट्री करेंगे, यानी कि सबको सपना दिखाया। और क्या हुआ, खासतौर पर तालिबान वाले जीत गया। आप जानते हैं हक्कानी नेटवर्क दोस्तों, हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान में पूरी तरह से सक्रिय है, जिसका नेतृत्व कर रहा है अनस हक्कानी और खलील हक्कानी। दोस्तों ये बेहद ही खतरनाक नेता है। बड़ी बात यह है, अनस हक्कानी और खलील हक्कानी, आप जानते हैं जिस समय अफगानिस्तान में अशरफ गनी का सरकार भाग रहा था, उखड़ के जा रहा था, उस समय दोस्तों तालिबान का हिम्मत नहीं हुआ कि वो काबुल पहुँच जाए, लेकिन उस समय भी हक्कानी नेटवर्क दोस्तों वहाँ पहुँचा, हक्कानी नेटवर्क का लड़कों पहुंचा और पूरे तालिबान को घेरा और पूरे जो भी वहां पे संसद भवन उसे घेर के अपना पावर रखा। खासतौर पे दोस्तों ये पावर आसानी से तालिबानी ग्रुप को दे दिया, बोला कि हम तुम्हारे लिए ऐसा किए हैं। और दोस्तों हक्कानी ग्रुप के इस कारनामे से खासतौर पे तालिबानी ग्रुप के मुल्ला बरादर बेहद ही खुश था और मुल्ला बरादर ने कहा कि देखो भाई तुमने तो कमाल कर दिया, अफगान यहाँ सरकार भाग गया और तू वहाँ पे जाके कैप्चर कर दिया और वो जमीन हमें दे दिया, वो पावर हमें दे दिया, तुम्हें हम बहुत बड़ा बड़ा पद देंगे, हम मंत्रिमंडल में तुम्हें हम विस्तार करेंगे, हक्कानी ग्रुप को हम बहुत ही खतरनाक पद देंगे, उसे मजबूत करेंगे। दोस्तों इस तरह का सपना दिखा दिया, जबकि तालिबानी ग्रुप का मुल्ला ब्रदर के अलावा दूसरा एक नेता जिसका नाम है मुल्ला यकूब ने बार बार विरोध किया, खासतौर पर मुल्ला यकूब ने मुल्ला बरादर का अभी विरोध किया, बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम लोग जब पूरे तालिबान मिल के पूरे अफगानिस्तान को जीत लिए, अमेरिका भगा दिए, तो हम लोग दो चार दिन में खुद ही अपने दम पे हम लोग पूरे काबुल पे कब्जा करते, आखिरकार आपने हक्कानी ग्रुप को क्यों बोला। दोस्तों इस तरह का लफड़ा आपस में ही तालिबानी कर रहा था और ये कहानी चल रहा था पिछले 20-25 दिन से चल रहा था। और बड़ी बात तो यह है, इसी कारण से अभी तक अफगानिस्तान में सरकार नहीं बन पाया है, क्योंकि आपस में अब फूट बन गया है, कौन सरकार बनाएगा, कौन क्या पद लेगा, कौन यहाँ पे मंत्री बनेगा, कौन सड़क मंत्री बनेगा, कौन बिजली मंत्री बनेगा, दोस्तों इसीलिए सब लड़ाई कर रहा है और इसीलिए सरकार नहीं बन रहा है। बड़ी बात तो यह है, सबसे आगे एक ही आदमी का नज़र है, वो है राष्ट्रपति बनने का, जिसका नाम है मुल्ला बरादर। दोस्तों मुल्ला बरादर को समझाता है कि ये राष्ट्रपति बने ताकि भविष्य में ये तालिबान को हैंडल कर सके और सबसे पंगा ले सके, भारत में जिहादी भेज सके, यहाँ तक कि हर जगह दुनिया में अपना आतंक फैला सके, इसीलिए मुल्ला बरादर को सब चाहता है कि ये राष्ट्रपति बने और मुल्ला यकूब भी समर्थन करता है। अब हुआ ये है, मुल्ला बरादर यानी कि तालिबानी ग्रुप और हक्कानी नेटवर्क यानी कि अनस हक्कानी के बीच में एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा था। बड़ी बात यह है, दोनों इसी मीटिंग में लड़ गए, आपस में झड़प हो गया। दरअसल हक्कानी ग्रुप का कहना था कि हम सबसे पहले
अपना मंत्री का विस्तार करेंगे और हमारे पास जो अफगानिस्तान का जो भविष्य का खासतौर पर सेना होगा ना, उस सेना का नेतृत्व हम करेंगे, उसका रक्षा मंत्री हम लोग बनेंगे, ये हम लोग अपने कब्जे में करेंगे। यानी कि जो भी पुलिस फोर्स कहाँ से हथियार लेगा, पुलिस फोर्स किस पर अटैक करेगा, वो हमारे अंदर होगा। जबकि तालिबानी ग्रुप बोला था कि भाई तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हें हम लोग फ्री में बहुत सारे मंत्री पद दे रहे हैं और तुम तो हमारा सेना ही खुद अपने अंदर चाहते हो, तो तुम भविष्य में हो सकता है तुम उलटफेर कर दो, हमें तुम ख़त्म कर दो और तुम खुद ही सरकार बना लो। दोस्तों जानते हैं ना, जिसके अंदर सेना होता है किसी देश में वही सरकार बना सकता है। इसीलिए हक्कानी ग्रुप का जो नेता है अनस हक्कानी और खलील हक्कानी, वो चाहता है कि वो रक्षा मंत्री बने, बोलता है कि हम सब पद छोड़ देंगे, हमें खासतौर पर रक्षा मंत्री बना दो। और इसीलिए दोस्तों तालिबानी ग्रुप बार बार मना कर रहा था और दोनों में भिड़ंत हो गया। और इस समय अनस हक्कानी और खलील हक्कानी का जो चेला है ना दोस्तों, वो मुल्ला बरादर पे गोली फायरिंग कर दिया, उसे घायल कर दिया। और दोस्तों ये मरते मरते बचा है, उसे अभी पाकिस्तान में भर्ती कराया गया है, पाकिस्तान में उसका इलाज चल रहा है और उसके जीने का आस लगाया गया है। बड़ी बात तो यह है, मुल्ला याकूब बोल रहा है कि हम तो अब हक्कानी नेटवर्क को ख़त्म कर देंगे। आप बोलेंगे आखिरकार ये न्यूज कहाँ से आया, क्या ये सही न्यूज है? देखिए दोस्तों, इस न्यूज के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये न्यूज NRF का रिपोर्ट है, ये कोई मेरा रिपोर्ट नहीं दोस्तों, NRF ने कहा है। और सच्चाई क्या है, गलत क्या है, वो तो NRF जाने, लेकिन NRF की रिपोर्ट से पूरी दुनिया में आज खलबली मचा हुआ है। अगर सचमुच में ऐसा हुआ है, मुल्ला ब्रदर को गोली मारा गया है, तो इसका मतलब यह है कि अब तालिबान आपस में लड़ लड़ के मर जाएगा। जिस प्रकार से राक्षसों का राज मिलता था, आप जानते हैं दोस्तों देव और दानव में जब भी युद्ध हुआ, कई बार राक्षस जीत जाता था, लेकिन क्या होता था, राक्षस जीतने के बाद क्या करता था, अपने पद के लिए आपस में लड़ लड़ के मर जाता था। भारत का दोस्तों इतिहास आप देखेंगे तो कई बार राक्षसों ने कई सारे देवों को हराया, खासतौर पर इंद्रदेव को कई बार हराया है, लेकिन बाद में क्या होता था, राक्षस आपस में ही लड़ लड़ के मरता था कि हम करेंगे पद, हम ही बनेंगे राजा, और मर मर के वो वहाँ से भाग जाता था। बड़ी बात तो यह है, सेम ही हाल अब अफगानिस्तान में हो चुका है। और अफगानिस्तान में अगर ये सच्चाई है तो देखेंगे भविष्य में भारत एकदम से अब तालिबानी विरोधी को साथ देगा। आप जानते हैं दोस्तों तालिबान के विरोधी कौन है, वो है नॉर्दर्न अलायंस और उमरुल्ला सलाह। दोस्तों भारत चाहता है कि वो मजबूत हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन अफगानिस्तान में विद्रोह और जग रहा है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है और सब तालिबान से मुखर हो रहा है और सब जाके अब नॉर्दर्न अलायंस से हाथ मिला रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, आज तालिबान अपने घर में घिर चुका है, उसे लग रहा है कि हम अधिक दिन तक अब राज नहीं कर पाएंगे। और बड़ी बात तो यह है, अभी आपस में ही फूट हो चुका है, तब क्या बोलेंगे, अब तालिबान के हाथ में कुछ नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि भारत पे हमला करेंगे, कोई बोल रहा है कि भारत मेरा मित्र है, कोई बोल रहा है कि चीन मेरा मित्र है, कोई बोल रहा है कि उधर मुसलमान का साथ देंगे, यानी कि जिसको जो मन है वो बोल रहा है, यानी कि तालिबान को अपने ऊपर अब कोई पकड़ है ही नहीं। और दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, आने वाले समय में तालिबान जैसे ही आपस में लड़ लड़के मरेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग अफगानिस्तान में एंट्री करेंगे और उसके विरोधियों को हम लोग आराम से फंड करेंगे और उसे मजबूत करके तालिबान को हमेशा सकल ख़त्म कर ही देंगे। दोस्तों तालिबान अगर रहेगा तो ये कश्मीर में जिहादी भेजेगा ही, भारत में आतंकवाद भेजेगा, इसीलिए हम लोग उसे कमज़ोर करना होगा, उसे तोड़ना होगा, बर्बाद करना होगा।